हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज आपका कीमती समय लेते हुए आज हम बताएंगे सलवार की कटिंग। और ये हमारा सलवार का कपड़ा है फ्रेंड्स। कुछ इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से हमने इसको फोल्ड करके फिनिशिंग कर लिया। और अब हम नौ इंच ये रख लिया और 9 इंच हमने यहाँ से रख लिया। 9 इंच रखने के बाद हम इसको लंबी लाइन खींच देंगे इस तरह से स्केल के द्वारा। अब 9 इंच हम फिर काटेंगे। एक हमारा बेल्ट के लिए है और एक हमारा मोहरी के लिए है। हम मोहरी बेल्ट के लिए कपड़ा हम पहले ही सलवार से निकाल देते हैं, फिर हम सलवार की कटिंग बाद में करते हैं। पहले हम मोहरी और बेल्ट निकाल करके एक साइड रख देते हैं। अब हमारा दोनों के लिए निकल चुका है कपड़ा। अब हम सलवार है ये हमारी। अब हम इसको सलवार को कुछ इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स, इस तरह से हमने फोल्ड करने के बाद अच्छे से रख लिया। अच्छे से रखने के बाद हम इसको बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ ही हम रख लेंगे। अगर आपके कपड़े में ज़्यादा सिलवट आ रही है तो इसको इस्त्री भी कर सकते हैं। और मैंने तो लेकिन नहीं की, लेकिन मैं इस तरह से ही काट दूँगी, कटिंग यानी कि कर दूँगी। तो मैंने इस तरह से जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा निकल लिया है उसको मैंने एक साइड निकाल कर रख दिया, यानी कि कटिंग करने के बाद। और ये मेरा बचा हुआ कंप्लीट सलवार का कपड़ा है कुछ इस तरह से। अब मैं इसको, ये जो मैंने फोल्ड किया है तो ये मैंने मोहरी के लिए फोल्ड किया है जो मेरी मोहरी बनेगी। मोहरी बनाने के बाद मैं इसको 6 इंच के, सॉरी मैं इसको 5 इंच पे, ये जो मैंने फोल्ड किया है ये मेरा 5 इंच है। लंबाई रखूँगी मैं इसकी 33 इंच। मुझे लंबी सलवार चाहिए तो मैं इसकी लंबाई 33 इंच रख रही हूँ फ्रेंड्स। और ये मैंने लंबाई, देखो मैंने लिख दी 33 इंच। और मैंने बोला भी और मैंने वहाँ पर लंबाई लिखने के बाद लिख भी दी, यानी कि 33 इंच। आप अपने अनुसार रख सकते हो। ये जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है ये कली के लिए मैंने 2 इंच लिया है। 2 इंच लेने के बाद अब हम कुछ इस तरह से 33 इंच ही हमने इधर से रखा। तो ये हमारा जो बच रहा है ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, हम इसको इसी में ही बहुत अच्छे से निकाल देंगे। यानी कि इससे हमारे सलवार का कपड़ा ज़्यादा जो बचता है वो बचने का नहीं है, यानी कि ज़्यादा भी नहीं बचने का और कम भी नहीं पड़ने का। अब हमने कुछ इस तरह से लाइन खींच दी। लाइन खींचने के बाद देखो हमारे इस कली से उस कली तक लाइन खींच चुकी है। मोहरी हमारी वे फोल्ड की हुई है और कली फ्रेंड्स 2 ईयरी और 2 वेरी, यानी कि 2 कली हमारी अलग दिख रही है। हमने इसको इस तरह से कट कर लेंगे फ्रेंड्स। ये हमारे ना ही ज़्यादा होने का ना ही कम रहेगा। हमने इस तरह से कटिंग बताया है आपको। बहुत इजी और आसान है ये वाला कटिंग करना। ना हमारा कपड़ा वेस्ट होए, ना कुछ, ना ही समय लगाए, एकदम से कटिंग हो जाता है। और हमने देखो उधर से कोना उठाया, इधर को फोल्ड कर दिया। अब हमने कोने से कोना मिला दिया फ्रेंड्स। अब हम इसको कट कर देंगे, यानी कि मियानी के लिए हम कट कर देंगे फ्रेंड्स। तो हमने ये 9 इंच पे आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन मुझे 9 इंच चाहिए तो मैंने 9 इंच पे कट कर दी मियानी। ये मैंने 9 इंच भी लिख दिया वहाँ पर भी। और अब हम इसको अलग अलग कर देंगे। अब चलेंगे हम सिलाई की ओर, यानी कि मशीन पे हम कली से कली जोड़ देंगे। अब हमने यहाँ से ही आपको बता रहे हैं, यहाँ पर ही ये हमारे पार्ट अलग अलग कर दिए मैंने कुछ इस तरह से। अब मैंने ये कली इसके साथ जोड़ दी। यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूँगी एकदम सीधी और ये हमारी कली कुछ इस तरह से हो जाएगी। और दूसरी कली मैं इसी तरह ही जोड़ दूँगी। अब मैंने जो आपको दिखाया इस तरह से, फिर भी हमारी कली ये भी इस तरह से ही हो जाएगी। और ये हमारी बेल्ट है, बेल्ट में मैं सीधी सिलाई लगाऊंगी। सीधी सिलाई लगाने के बाद में
इसको कुछ इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। अब मैं फोल्ड कर दूंगी। अब चलते हैं हम फ्रेंड्स सिलाई के ओर, यानी कि मशीन पे जो मैंने कली बताई हैं आपको, उन कली को मैं जोड़ दूंगी। और मैंने इस तरह से सिलाई चलाई और ये कली मैंने जोड़ दी, यानी कि जुड़ चुकी। अब मैं दोनों कलियों को ही इस तरह ही जोड़ के, ये हम देखो फ्रेंड्स हमारी एक कली जुड़ गई। अब हमारी दूसरी कली भी जुड़ जाएगी। अब दूसरी कली हमारी ये जुड़ने वाली है। कुछ इस तरह से हमने दोनों कली जोड़ दी। अब हम ये हमारा जो फोल्ड हो रहा है ये मियानी का हो रहा है, हमने मियानी का इस तरह से ही फोल्ड कर दिया। और दूसरी ओर भी हम इस तरह से ही फोल्ड कर देंगे। और हमने ये इस तरह से फोल्ड करने के बाद, अब हमने फ्रेंड्स दोनों ओर फोल्ड कर दिए। अब हम यहाँ पर ही जहाँ हमारी कली है वहाँ पे वो हम फ्रंट की साइड लेंगे, और जिधर कली नहीं है यानी कि कली का जोड़ नहीं है उधर हम बैक साइड लेंगे। अभी हमारा जो हम कमरबंद के लिए यानी कि बेल्ट बनाएंगे वो ये बेल्ट है हमारी। कुछ इस तरह से हमने बेल्ट के लिए सिलाई लगा दी। अब हम इसको अलग अलग कर देंगे, इधर और एक को इधर, इधर की साइड सिलाई लगा देंगे। अब हम इधर भी सिलाई लगा देंगे। कुछ इस तरह से हमने सिलाई लगाई और इधर की साइड भी हम सिलाई लगाने जा रहे हैं। देखो फ्रेंड्स हमने ये भी सिलाई लगा करके कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद हम कुछ इस तरह से यहाँ ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा कमरबंद के लिए भी हो जाएगा। और हमने इसको इतनी जगह में हमने सिलाई नहीं लगाई थी फ्रेंड्स। अब ये हमारा कुछ इस तरह से हो गया। अब हम इसको सारे को कंप्लीट कर देंगे। और फ्रेंड्स जिधर हमारी कली होती है सलवार की साइड, उधर की साइड हम सामने लाते हैं यानी कि फ्रंट में लगाते हैं, और जिधर हमारी बिना जुड़ी हुई कली होती है वो हम बैक के लिए लगाते हैं यानी कि बैक साइड के लिए। और जो मेरी कली जिधर जुड़ी हुई है उधर हमने बैक साइड रख दी, और एक तरफ मैंने फ्रंट साइड। अब ये हमने दो दो प्लेटें डाली, दो प्लेट इधर की साइड से, दो प्लेट इस इधर की साइड से, यानी कि जहाँ पे हमारी मियानी है वहाँ पे मैंने डबल डबल प्लेटें डाल दी। और प्लेटें डालने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से मैंने सिल लिया इसको। और इस तरह से मैंने सिलने के बाद, अब मैं सिल लूँगी इसको। सिलने के बाद मैं दूसरी साइड भी ऐसे ही डाल लूँगी प्लेटें, जैसे इधर की साइड डाला ऐसी दूसरे की साइड, इधर की साइड, यानी कि मैंने इधर भी प्लेटें डाली हूँ। प्लेटें तो मैं इधर की साइड फ्रंट में बहुत सारी प्लेटें डाल लूँगी। अब फ्रंट की ओर मैं बहुत सारी प्लेटें डाल ली हूँ। कुछ इस तरह से मैं प्लेटें डालती चली जाऊंगी। और मैंने एक कट लगा रखा है नाप के, वहाँ तक मैं प्लेटें डालती जाऊंगी। अब मैंने देखो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से प्लेटें डाल करके, इस तरह से मैंने प्लेटें डाल दी। देखो अब मैं सीधी सिलाई लगा दूंगी क्योंकि पीछे नहीं भरे जाते इसके घूम, इसके प्लेटें यानी कि सामने ही डलती हैं। अब मैंने इधर की साइड भी प्लेटें डाल दी, और इधर के साइड भी मैंने प्लेटें डाल दी, उधर की साइड भी मैंने प्लेटें डाल दी। दोनों ओर मेरी प्लेटें डल चुकी हैं, यानी कि इधर की कंप्लीट होने वाली है अभी। अब मैंने ये इस तरह से मेरी प्लेटें डल गई। अब मैं सिलाई लगा दूंगी इनके ऊपर हल्के किनारे किनारे सीधे की साइड से। अब ये मैंने सीधे की साइड भी सिलाई लगा रही हूँ, एकदम लगाते चले जाएंगे अब हम कुछ इस तरह से। और ये मैंने अब मोहरी के लिए लिया,
ये मेरी पेस्टी है, इसको फोम भी बोल सकते हैं। और ये मैंने पेस्टी को कपड़े में इस तरह से रख करके सिलाई लगा दूंगी इस तरह से। और मैंने इस तरह से रखने के बाद सिलाई लगाऊंगी। और ये मैंने यहाँ भी अच्छे से सिलाई लगा दी। और ये मैंने सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से, और ये मैंने इधर को फोल्ड कर दिया, फोल्ड कर दिया। ये मैंने मोहरी में ही फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरह से, अब मेरी ये अभी मैंने हल्के हल्के किनारे किनारे चलाते जाइएगा ताकि आपको भी आसानी और कप